रात को 4:15 बजे फिर एक बार सरकार का माफिया को संरक्षण का चेहरा सामने आ गया। पिछले 2 महीने से बजरी माफिया बूंदी जिले के बसोली मोड़ पर गुंडागर्दी कर रहा है। सतूर और आसपास के लोगों के और बजरी माफिया के बीच में तनाव। हमने कल प्रदर्शन का कॉल किया था कि अवैध नाका हटाया जाए, और पहले गांव वालों ने जो आवाज उठाई बजरी माफिया के खिलाफ, उनको पेड़ों पर उल्टा लटका लटका कर मारा, उस सीआई को सस्पेंड करो। आपने देखा है, आपने चलाया है। कल 5,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में थे। हमने बहुत स्पष्ट कहा, हमारी सभा तक तय कर लीजिए बजरी नाके के बारे में और सीआई को सस्पेंड करने के बारे में। प्रशासन और सरकार कुछ तय नहीं कर पाया। हमने हमारे आह्वान के मुताबिक हाईवे रोक दिया। रात को 1:30 बजे तक वहां पर हजारों लोग थे। 2 बजे बाद आसपास के लोग जब मैं सो गया तो गांव में चले गए कि सवेरे लौट कर आ जाएंगे। 3:30 बजे से 4:15 बजे के बीच 400-500 पुलिस वालों ने अचानक हमला बोला। बेतरतीब लाठियां बरसाई सोए हुए लोगों, लोगों ने खेतों में जंगलों में भाग भाग के जान बचाई, और जब मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए वहां से हटाने के लिए, तो मेरे इर्द गिर्द ये जो लोग सो रहे थे इन पर लाठियां बरसाई। लाठियां मेरे बगल में 87 साल के बुजुर्ग जो बूंदी के समाज के अध्यक्ष हैं बालू सिंह जी, 2 बार गिरे और दूसरी बार में बेहोश हो गए पुलिस की धक्का मुक्की में। इन्हें कार्यकर्ताओं ने बेहोशी की हालत में घर पहुंचाया, वहां जाके इनको होश आया। सरकार माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, बल्कि जो माफिया के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका दमन करना चाहती है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज, और प्रेस करें बेल आइकन को।